सो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते रिलीज हुई तमिल फिल्म विक्रम के बारे में। दोस्तों, जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था ना, तभी इसकी स्टारकास्ट देख के ना मुझे आइडिया आ गई थी कि ये मूवी हमें ज़रूर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाली है। अब जिस फिल्म में कमल हसन सर, विजय सेतुपति और फहाद फासिल जैसे बेहतरीन एक्टर हो, जाहिर सी बात है कि ऐसी फिल्म से हमारी उम्मीद अपने आप बढ़ जाती है। अब ये वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो कीमती टाइम है ना, वो आपने इस फिल्म को देना चाहिए या नहीं। इस मूवी की शुरुआत एक अननोन मास किलर से होती है जो पुलिस ऑफिशियल्स है उनको बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार रहा है। अब उस अनमास किलर को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट एक अंडरकवर एजेंट को ऑनबोर्ड करती है जिनका नाम है अमर। अमर का किरदार प्ले कर रहे हैं फहाद फासिल। अमर अपने कैटेगरी के सबसे बेहतरीन एजेंट है जिनका काम करने का तरीका भी बहुत अलग है। दूसरी साइड संदनम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विजय सेतुपति। अब संदनम जो है वो एक ड्रग माफिया चला रहा है। संदनम का एक बहुत बड़ा ड्रग कंसाइनमेंट है जो मिसिंग हुआ है। अब उस कंसाइनमेंट का जो मर्डर हो रहे हैं उनसे कुछ लेना देना है या फिर संदनम का उस अननोन मास किलर से कुछ लेना देना है क्या, ये सारी चीजें आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगी। अब देखिये, इस मूवी की जो स्टोरी है ना, वो कोई खास अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। मूवी शुरू होने के बाद इवेंचुअली आपको धीरे धीरे स्टोरी का अंदाजा पता चल जाता है। आगे किस तरह के प्लॉट रिवील आने वाले हैं ये भी आप प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस प्रिडिक्टेबल स्टोरी को चार चांद लगाता है उसका स्क्रीन प्ले। इस मूवी का स्क्रीन प्ले लोकेश कनकराज, जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, और रत्न कुमार इन्होंने लिखा है। इस मूवी का ड्यूरेशन 3 घंटे का है और इस 3 घंटे में ये मूवी आपको आपका मोबाइल तक चेक करने का मौका नहीं देती। इतना एंगेजिंग स्क्रीन प्ले है इस मूवी का। लोकेश कनकराज का डायरेक्शन इस फिल्म में बहुत ही बढ़िया है। जनरली सदर्न मूवीज में ना जो क्लीशे सीन्स होते हैं, वो क्लीशे सीन्स यहाँ पे बहुत ही कम लेवल पे है। लोकेश कनकराज ने इस मूवी के जो लीड एक्टर्स हैं, उनकी कैपेबिलिटीज, उनका स्क्रीन प्रेजेंस और उनका स्टाइल, इन तीनों का बहुत ही बेहतरीन यूज किया है इस मूवी को क्राफ्ट करने के लिए। कमल हसन सर, विजय सेतुपति, फहाद फासिल, ये तीनों कितने बेहतरीन एक्टर हैं ये हम सबको पता है। जब स्क्रीन पे हम इन तीनों के बीच का इंटरेक्शन देखते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि इनके फैंस के लिए इससे बेहतरीन कोई ट्रीट हो ही नहीं सकता। फहाद फासिल का जो कैरेक्टर आर्क है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस फिल्म में। विजय सेतुपति ने जो भी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले किया है। उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस है, उन सबसे हमें अंदाजा लग जाता है कि विजय सेतुपति किस लेवल के एक्टर है। इस मूवी में उन्होंने संदनम का जो कैरेक्टर प्ले किया है वो इतनी शिद्दत से प्ले किया है कि इस कैरेक्टर की जगह हम किसी और को इमेजिन नहीं कर सकते। कमल हसन सर का एज 67 है, बट आज के एज में भी वो उतने ही कॉम्पिटिटिव है क्योंकि उनकी एक्टिंग आज भी उतनी ही इंटैक्ट है। कमल हसन सर के फेशियल एक्सप्रेशन, उनका एक्शन करने का तरीका, उनका स्टाइल, उनकी डायलॉग डिलीवरी, इन सारी चीजों से कमल हसन सर आपको इंप्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। आप जब भी कमल हसन सर को स्क्रीन पे देखोगे या किसी सीन में कमबैक करते हुए देखोगे, तभी आपको रियलाइज होगा कि थिएटर में बहुत सारी टारियां और बहुत सारी सीटियां बज रही है। इस मूवी में जो एक्शन है वो जनरली साउथ मूवीज में जिस तरीके का एक्शन दिखाया जाता है, जो ओवर द टॉप होता है, उस तरीके का एक्शन नहीं है। हाँ, एक दो सीन है जो हमें ओवर द टॉप लग सकते हैं, बट उसके अलावा इसका एक्शन जो है वो बहुत ही स्लीक और स्टाइलिश है। अगर आप मूवी ठीक से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तीनों कैरेक्टर को अपना अपना एक एक्शन स्टाइल दिया हुआ है। सिनेमा का फाइनल एक्ट जो है, उसमें जो एक्शन पीसेस है वो बहुत बड़े हैं। सिनेमा के फाइनल एक्ट में एक और चीज है जो बहुत ही बढ़िया काम कर जाती है, वो है कमल हसन सर और विजय सेतुपति का 1-on-1 एक्शन सीन। अब देखिए, ये जो मूवी है ना, ये इसके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स में बहुत ही स्ट्रांग है, जैसे कि स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्टोरी, ये सब चीजें ना बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखी गई है। सो ओवरऑल समअप करने जाए तो विक्रम एक बढ़िया राइटिंग और बढ़िया टेक्निकल एस्पेक्ट से इक्विप्ड मूवी है। लीड एक्टर्स की फ्लॉलेस एक्टिंग और लोकेश कनकराज का बेहतरीन डायरेक्शन इस फिल्म को एक नई ऊंचाई पर लेके जाता है। ये फिल्म सही मायनों में एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट है और इसका मजा सिर्फ थिएटर में ही लिया जा सकता है। सो दोस्तों, अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।